राम राम जी सारे ने पवार फैमिली व्लॉग्स में आप सबका स्वागत है। एक नए व्लॉग के साथ हम फिर आ गए हैं। आई होप आप सब ठीक हो गए। हम भी बढ़िया हैं। क्या हाल चाल आप सारे के कमेंट करके बता दो। और भाई जैसा कि आप देख रहे हो मैं व्हाइट कलर की टी शर्ट पहन रही हूँ। जो मैंने अपनी इंस्टाग्राम की प्रोफाइल पर फोटो लगा रखा है ना वो सेम फोटो इस पर प्रिंट हो रहा है और नीचे मेरी आई डी का वो है नाम निधि डॉट पवार 07 जिसने नहीं मेरा तो फॉलो कर लियो। और या टी शर्ट मैंने गिफ्ट मिली आप वो आपके बहुत सारे के कमेंट आ रहे थे कि कहाँ तक करवाई कैसे करवाई प्रिंट। तो मैं बता दूँ या मेरी फ्रेंड ने गिफ्ट करी है। तो आप नॉर्मल जो हमने तो जो हमारे यहाँ गिफ्ट वाली शॉप थी ना उसके ऊपर टी शर्ट भी मिल गई और उसके ऊपर जो प्रिंट चाहिए वो प्रिंट भी करवा दिया। तो आप भी कहीं पर भी जाओ हो कोई मतलब इसी शॉप ढूंढो कि जिस पर प्रिंट वगैरह होते हो तो जाकर अपना प्रिंट दे दो और टी शर्ट के ऊपर प्रिंट कर देंगे। आप नॉर्मल कोई टी शर्ट भी लेके जा सको हो उसके ऊपर प्रिंट करा सको बाकी वे टी शर्ट भी खुद दे दिया करें। और भाई साहब आज हम कितने बाहर जा रहे हैं कुछ क्या बोलते हैं कुछ सोशल वर्क करने जा रहे हैं। तो ईब साहब मैं तो मैं और निशांत हो गए यहाँ रेडी। और पापा सुबह सुबह नू लगा लो 7 बजे गए थे गांव में गए थे। तो ईब गांव में तो आन लग रहे हैं कह रहे थे कि रास्ते में हूँ आन हो रहा हूँ। तो पापा के आते हम चल पड़ेंगे और मम्मी भी जस्ट रेडी हो गई है। तो ईब हम पापा की वेट में यहाँ के कब पापा आवर कब हम चल। भाई मैं कहूँ रही थी कि मेरे पापा आन हो रहे हैं। लो मेरे पापा आ गए हैं। ओ माय गॉड आज कैसे लस्सी कैसे लेकर आए हो आज। आज गांव में चले गया था मैं 6 बजे तुम सो थे है ना मतलब फिर भी पहली बार गांव में आया लस्सी लेकर आए। फेवरेट गांव की रेड रेड लस्सी। अच्छा जल्दी तो तैयार हो जाओ जाना है। हाँ बस 5 मिनट देख लो भाई तो इन मान सके देखो पर ऐसे शुरू होगा। ये कौन सा स्टाइल है भाई तेरा जब कानू आंडा था टटर टटर करदा। देख ले इसके काम देख ले इसके वो मन लगते हो दिल ने पड़ के रखी हो गया इसका तो ये दिन टोक लगा दी तो मुझे लगते हो दिल ने पड़ गए बताओ मम्मी तेरे घर और लगते हो ना के अच्छा लग रहा है ऐसे ही काम करते रहे। देखे एक काम पूरा करा नहीं पहले पैसे का नाथ फसा लिए ये अपने पापा के जितने का पल्ले से लाग रहा करने चमकना चाहिए मुंह दिखने चाहिए ले सेल्फी कैमरा मुंह दिखना चाहिए ये बचम के लिए बोली तैयार है। अम भाई कौन रह गई यो इसी तरिया बैठ गया जो परेशान चलानी आवर यो लेके जाओगा हैं भाई चलानी आती नहीं बात नहीं फिर भी ओ माय गॉड मारेगा देखिए आगे पाछे डट जा मित्र डट जा कि मिंद्रा इन बातें हैं। मैं आई ना आई तो ही पांच मिनट लाई होगी ना। हाँ पूरी 5 मिनट उस तरह पर लाई क्या रुकने भाई यार ये 2 घंटे ना आने गिरने चाहिए मान गए 100 का नोट ले रही है 500 का है मैं कर लूँ काल भाई यार कर दो रहे और अच्छा कर आई काल आ गई जो भाई निकल लिए हैं करते हैं। और इब किसी जाना बाबा पापा ने सिला बाईपास कबीर को सिला बाईपास कबीर को नहीं मैं देखी यो इब गाड़ी में सीएनजी भरवावा ये हम सभी उधरते हुए भाई नमस्ते आंटी नमस्ते आओ भाई साहब
उनका नंबर तो होगा, दूसरा फोन करा। अच्छा जी, उसने सीधे नंबर करा है। आ जाओ भाई, आ जाओ बेटे, सारे टम्पू वाले आप हो भाई, फिर भी किराया हो गया। निमित क्या कोई ने देख लिया कोई ना भाई। भाई साहब चलो ना बड़ी आपको मान यारो भाई साहब बड़ी हो गई पीछे कौन सा गल भाई ठीक से चल जाएगा काम। आप वहाँ चलो, वहाँ आएगा मैं। वो आंटी ने बोला था वहाँ बैठा लेना, मैं माना है। आपके मैं मानता हूँ। हाँ नहीं मैं मानता हूँ। चलो कोई बात नहीं, पानी तो पियोगे सारा कुछ। हाँ पानी दिया हो। वो गिलास ले जाता हूँ। खड़े। नूने पहले घर में तो कैंपर ला था का। पहले बोल के चाहिए। सभी साथियों को सबसे पहले रचिकारा की तरफ से हमारे भाईचारे की तरफ से राम राम। आज फिलहाल हम पहुंचे हैं रोहतक में। आप सभी साथियों को बताया भी था, हमारे साथ में बहन जी है जो विकलांग है, और ये हमारी बहन जी है, शायद आपके पति नहीं है ना। इनका बच्चा भी काफी छोटा है, इनकी गुड़िया की शादी थी, हालांकि हमने आज की मदद ऑर्डर की थी। उसके बाद ये बहन जी घर पे पहुंची, इसकी जो एक छोटी सी डिमांड थी कि मेरे घर पर 10 से 12 बाराती आऊंगी, उनका सिर्फ खाना बन जाए, उससे ज्यादा मुझे कुछ नहीं चाहता। हमने कई बार देखा, कई आदमी ऐसे होते हैं जो मदद के नाम पे हमारे घर तक तो आ जाते हैं, लेकिन जब हम उनका बायोडाटा या उनके बारे में डिटेल निकालते हैं तो वे झूठे या फेक मिलते हैं। हमें भी बड़ा दुख होता है कि हमारे सामने आके आप लोग झूठ बोलते हो। हरियाणा और राजस्थान के अंदर तो ऐसा कोई गाँव, ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ से हमारे साथ भाईचारा नहीं जुड़ा हुआ। मेरी बहन जी जब हमारे पास आई, इसकी आंखें खुद ये बता रही थी कि इसको मदद की कितनी ज्यादा जरूरत है। इसने बोला था, भाई मेरे को ज्यादा जरूरत नहीं, सिर्फ 15 या 20 हजार रुपए हो जाए, जिसके कारण आज जो बारात आओगी उसका खाना हो जाए। लेकिन मेरी बहन की बातों में सच्चाई थी, हमने सोचा थोड़ा अच्छा ही हो जाए तो ठीक है, ताकि गुड़िया को थोड़ा बहुत कुछ जरूरत का सामान दिया जाए। तो यहाँ पे आज साथ में आई है पवार फैमिली, हमारे बड़े भाई साहब जो हरियाणा पुलिस के जवान है। बड़ा प्राउड फील होता है जो देश सेवा करने के साथ साथ समाज सेवा करते हैं। दूसरी बात, आजकल सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा गंद मचा हुआ है। अगर आप इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, गूगल कुछ भी खोलोगे, एक व्यू के चक्कर में 80% आदमी गलत दिशा में जा रहे हैं, और हमें बड़ी खुशी होती है। हम खुद भाई साहब कोई वीडियो देखते थे, भाभी जी की वीडियो देखते थे, आज हमारे साथ खड़े हैं, साथ नहीं हमारे से आगे आगे भाई साहब ने, आज जो रीति रिवाज जो रस्म है वो हमारे भाई साहब ने निभाई। हम मिले आज पहली बार, उससे पहले भी भाई साहब से अक्सर बातें होती रहती थी, और पहले भी मैं एक बात बता देता हूँ आप लोगों को, हरियाणा पुलिस के जो जवान होते हैं उनकी ज्यादा तनख्वाह नहीं होती, ज्यादा सैलरी नहीं होती। कई आदमी बोल देते हैं इनको कि ये खाते हैं, यानी कि 5% आदमी खराब होने के कारण 95% आदमियों को टारगेट किया जाता है। मेरे हिसाब से भाई साहब 30-35 हजार रुपये तनख्वाह होती है, तो 24-25 हजार रुपए तनख्वाह होती है, और उसमें से जब कोई आदमी दान करता है तो उसका दिल बड़ा बड़ा होता है। मेरे साथ
मैं भाग्यशाली हूँ, ज्यादातर फौजी और हरियाणा पुलिस के जवान जुड़े हुए हैं। भाई साहब ने पहले भी एक बार एक मदद में 11,000 रुपए दान दिया था, उससे अलग भी भाई साहब दान करते रहते हैं। आज ये जो जिम्मेदारी है ये सभी भाई साहब ने ली, भाई साहब के दिशा निर्देश में, और हमारी बहन जी गीता अहलावत जो हर जगह हमारे से आगे जिम्मेदारी निभाती है, और ये जिम्मेदारी निभाने के साथ साथ हमारी बहन हर जो भी काम होता है उसको खुद पूरा करती, क्योंकि हमारा ये मानना है जब हम किसी औरत की मदद करने के लिए जाते हैं एक औरत का साथ होना बहुत जरूरी है। और आप समाज को अपना समय दे रहे हो ना, इससे बड़ा कोई दान नहीं। ये पीछे जितने भी नौजवान साथी खड़े हैं ये जो अपना कीमती समय देते हैं, समय देना सबसे बड़ी चीज, आज के वक्त में किसी के पास कोई समय नहीं है। हम भाग्यशाली हैं कि हमने फेसबुक यूट्यूब गूगल पे वे आदमी ढूंढे हैं जो एक अच्छे रास्ते पर चल रहे हैं, जिनसे हमने खुद सीखा है। आप सभी का ये जो प्यार प्रेम है इससे आज इस घर के अंदर 31,000 रुपए का नगद सहयोग, साथ में डबल बेड, संदूक, अलमारी, सिलाई मशीन, 51 बर्तन, ये सामान यहाँ पे पहुंचा दिया गया है इस बेटी के लिए। और जितने जो भी दानवीर साथी हैं पिछले 3-4-5 दिन में 5वीं लड़की की शादी में आप सहयोग कर रहे हैं, आज शाम को आप सबकी लिस्ट डालेंगे। एक एक दिन में 4-4-5-5 प्रोग्राम हो जाते हैं, नींद पूरी नहीं होती, लिस्ट बनाने में टाइम लगता है। आप सभी के जो नाम है वो इस डायरी के अंदर है, और एक एक नाम ढूंढ ढूंढ कर लिखना पड़ा। दूसरी बात, कई भाई लाना देते हैं कि भाई आपने मेरा नाम नहीं डाला, आप खाली स्क्रीन शॉट भेज देते हो व्हाट्सएप पे, ना अपना नाम लिखते हो ना अपनी डिटेल लिखते हो, फिर हमें दिक्कत होती है हम नाम किसका डाले। जब आप हमारे पास अपना नाम ही नहीं भेजोगे तो वो नाम डालने में बड़ी दिक्कत होती है हमें। भाई साहब आप कुछ कहना चाहोगे? भाई मैं कहना तो बहुत कुछ चाहूंगा, लेकिन आपने सारे लोग कह दिया, जैसे आपने भाई हमारे साथी कैसे कर दिया। और मैं भाई के बारे में नीति से भी बोलवाना चाहूंगा, पहले तो 2 लाइन में बोल दूँ आपके बारे में। जब भाई छकारा भाई इतना अच्छा काम कर रहे हैं, और करीबन 2 साल से मैं भाई ने देख रहा हूँ, उससे पहले काफी कई साल से अलग रहे आप इस भाई में, 11 साल तो मैं 2 साल से भाई ने जाना हूँ, सोशल मीडिया पर जैसे भी हमारे हैं उस टाइम से जानने लग गया हूँ। तो भाई इतना बढ़िया काम कर रहे हैं, और भाई इतने लोगों को कमेंट करें ना भैया ये है वो है, तो भाई भाई के लिए आ जाओ कुछ थोड़ी हेल्प करो, और हमने भाई ने पोजीशन बताई है, और किराए का मकान में रह रही है, 3 गुड़िया है, 2 पहले और 1 हाथ शादी है जो हम प्रेजेंट खड़े हैं। बाकी मैं निधि ने कहूँगा, 2 लाइन में भाई के बारे में भी बोला है, और सब ने मैसेज भी दे। आप मेरे बारे में नहीं समाज के बारे में बोलो, समाज को क्या कहना चाहोगे? सबसे पहले तो मैं भाई आपने कहूंगी इतना अच्छा काम कर रहे हो, आप चले तो अकेले थे और आज पूरी टीम बना ली, इतना अच्छा काम कर रहे हो, तो बस हमने भी आप तक प्रेरणा मिला है, शिक्षा मिला है कि दानवीर आपकी तरह हम भी बना, हम भी जितना बार तो हो सके उतना सहयोग करा, आप तो बहुत प्रेरणा भाई। ये हमारा यूथ है, हमारी बच्चियां हैं, आपने देखा होगा बच्चियां बहुत ज्यादा गलत रास्ते पे भटक जाती हैं, इनसे कुछ सीखो। सीखना सिखाना एक जीवन है, सीखने की कोई उम्र नहीं होती, आपको छोटा बच्चा भी संदेश दे देता है। ये हमारी गुड़िया है, ये आजकल के नॉलेज वाले बंदे, हम तो चलो अनपढ़ इतने पढ़े लिखे नहीं है, इनसे हमारे को बहुत कुछ सीखने को मिलता है। यानी कि मैं तो कुल मिला के कहूंगा जो पवार फैमिली है, अगर हम फैमिली की वीडियो देखते हैं उससे सबसे बड़ी चीज एक सीख मिलती है, आज के समय में किसी परिवार के अंदर एकता नहीं मिलती, आज के समय में किसी परिवार के अंदर इतना समय नहीं होता कि एक दूसरे को समय दे पाए। हम भी प्राउड फील करते हैं, हमारा भी मन करता अपनी फैमिली के साथ ऐसी वीडियो बनाए, पर वही बात होती है हमारा दुर्भाग्य हमारे पास इतना समय नहीं होता। मैं पवार फैमिली का एक बार फिर से धन्यवाद करूंगा। भाई साहब आप एक भाई आप आओ, शुभ नाम बताओ पहले अपना। भाई का नाम है अजय उड्डा, गांव है घुसकानी। हर मदद में मेरा भाई मदद कर रहा है, कैमरे के श्याम मेरे साथ पहली बार आया होगा आज। ये वो भाई है, हमने लगभग जितनी भी आज तक मदद करी ऐसी कोई भी मदद नहीं, हम महीने में अगर 25 मदद करते तो उस 25 की 25 मदद हम इस भाई का सहयोग पाऊंगा, और सहयोग होता है कम से कम 1100 रुपये। 25 मदद कर दी, आप लोगों को लगता है 1100, लेकिन 1100 ना 25 बार जोड़ोगे तो 25,000 रुपये तो सीधे होगे, 2500 अलग तो होगे, 27,500 रुपये की महीने की मदद होगी। ये कार्य करने के लिए बड़ा दिल चाहिए मेरे भाई का, अपना फाइनेंस का काम है। परमात्मा से यही दुआ करते हैं जो साथी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, एक दूसरे की मदद करते एक दूसरे का सहयोग करते हुए थोड़े कैमरे के सामने भी आया करो, ताकि हमारा भी हौसला बढ़े और जो देखने वाले हैं वो भी आप लोगों से सीखें। एक बार फिर से आप सभी साथियों का, सभी दानवीर साथियों का
दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आप लोग अपने घरों में बैठ के हमारे पे विश्वास करके जो हमारे तक पैसा देते हो, उस पैसे को हम कहां पहुंचा रहे हैं वो कमेंट करके बताया भी करो। सभी साथियों का धन्यवाद। कल या परसों फिर मिलते हैं नई मदद के साथ। तब तक राम राम, जय हिंद। एक फोटो ले लीजिए भाई, भाई साहब आओ, भाभी आप भी आओ। हाँ जी, गोड़ा ही मोल लोगे ना सारे, आ जाओ बहन जी। छोरी उसकी तो चल जाएगी। खाया कर भाई, कि मैं चलू हूँ मैं भी बेबे पे। ये इसने खजाए जाहर नु का मैं ठाडा हूँ। एक से है हाँ, फर्क नहीं है। कौन की छतरी वाला? अच्छा सर भाई, हर्ष भाई तो जा लिए हैं और इब हम भी अपने घर की तरफ चल पड़े। हाँ, कैसा लगा मम्मी आज? बहुत तो अच्छा लगा। मैंने आ रहा सा हमेशा फोन में देखा है, पहली बार रील देखा है। हमने भी माँ माँ अच्छा नेचर है भाई का, भाई बहुत बढ़िया मिलन सारा दिन। लो भाई घर पे आ गए। हाँ पापा, कैसा लग रहा है? मने तो बढ़िया लग रहा है। यू क्या गया कबूतर की लग रहा है? बढ़िया लग रहा है। मने तो और जो काम करता है काम तम न किसा लग गया। हमने बढ़िया लगे। निशान तेरे के विचार हैं? बहुत अच्छे विचार हैं मेरे, और बहुत अच्छा लगा भाई साहब से मिलके। काफ़ी अच्छी फीलिंग आई, क्योंकि हम जितनी पूंजी कमाओ हमने दान भी करनी चाहिए। दान करोगे तो और पूंजी आया कर रहा नुकाया कर बड़े बुजुर्ग, तो हमने दान कर देना चाहिए ना, तो कमाने का कोई फायदा ना है। अपनी खातर तो सुनना, अपनी खातर तो दुनिया कमा, दुनिया है सेल्फिश, तो अपने आप में लगी रहे मेरा दुनिया। थोड़ा दान दून करना भी सीखना चाहिए भाई। अरे मम्मी गई है ऊपर, और मैंने मम्मी तेन को ये कि स्कूटी की चाबी फेंक दियो, तो ये थोड़ी सी स्कूटी चला के आऊंगी। घर अंदर ले जाऊं? ले जा फिर, ले जा। हाँ लेके जाऊं। गर्मी किसी को रही पापा? मेरे तो लग गए। लो फेंक दो, सर फूटे इसकी गेट मारा करे। इसमें कुछ उपचार नहीं होता? हाँ गेट मारा करे इसका। गेट मारेगा? देखो मैं गोल गेट मारा। हाँ अच्छा अच्छा। ओ माय गॉड, कितनी मेहनत का काम है ये। एक नहीं चाल तो लेगी ना तू पैदल जो पैर का। गर्मी गई लगे। खड़ी कर, खड़ी आप बतेरे जो बतेरे जाना। इतने मैं खोलूँ? ले मैं खोल लूँ, तू खड़ी तो कर। आजा लिया, रोड पे खड़े हूँ, रोड से लिया। ये चक्रैच लग गया ना, ये कुर्सी हटा कर लिया तू। चोखा गली में कुत्ते ना थे ना तो उतार देती हूँ उनके ऊपर। देख ड्राइवर
कड़े खड़ी कर का आगे कोई ठोक देगा तेरे ठोका कौन ही चाल ले जब मैं चलाऊंगी पाछे तू भी बैठेगा मन शौक तो ना है यमराज केगल सवारी करने का बाकी हां ये क्या ना बोझ ना देवे चाल ना तू आगे बाइक खड़ी खड़ी सब कुछ आ गया इतने सारे मोड़ ना फूटना होना मैंने नहीं दिया जाता ना वो पीछे कचरा नहीं दिने निखंड आया है चल मन्नू को है जितनी आगे थी जाना जाया उल्टी आड़ है मुड़ कल्याणी गलिया में तो चला ली सारा चला ली तो शाम को मैं अवेलेबल नहीं हूँ इस वजह से मैंने दोपहर ही मारना पड़ रहा है इवन चलवानी पड़ेगी ना तो पापा जी हमें बहुत मारेंगे हमारी घर पे चलती नहीं है पापा बहुत मारते हैं बहुत टाइम हो गया था मुझे चिंता हो रही थी इसकी सही है सही सलामत आ गई गाड़ी आवे है हाय हाय निधि एक एक गजब सॉरी है वो तेरी यार कैसे करेंगे करती सिर्फ एक ही वर्ड है मेरे तेरा वुमन तेरा तो मैंने तो एक चल छोड़ दे मैंने लगभग